नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। बात करें आज के दिन की तो आज है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे, पीएम मोदी पे किसने लगाए लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण करने का आरोप। फिर हम जानेंगे एक शख्स की कैसी दीवानगी है जिसने अपने शादी के कार्ड में ही वोट देने की कर दी अपील। साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री का ऑफिस यानी पीएमओ में कैसे पहुंचता था जासूस। फिर हम बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से क्यों भड़के पाकिस्तानी। फिर हम बात करेंगे कनाडा के चुनावों में दखल देने का आरोप भारत पर क्यों लगा। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे आज की राशि फल के बारे में। आगे की खबर जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की। जम्मू कश्मीर में फिर से महसूस हुई भूकंप के झटके, 2 दिन में तीसरी बार कांपी धरती। विज्ञान केंद्र के अनुसार रिक्टर पैमाने की तीव्रता 3.8। पीएम ने कहा कि यह झूठ का पुलिंदा कांग्रेस को बेनकाब करने वाला घोषणा पत्र है। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा वकीलों और जजों को संविधान के प्रति वफादार होना चाहिए। बोले हमारे कंधे चौड़े हैं, हम तारीफ और आलोचना दोनों को स्वीकार कर सकते हैं। मोदी बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कहा प्रधानमंत्री अपने इतिहास से परिचित नहीं क्योंकि वे कोई और नहीं बल्कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। एमपी में हुआ बड़ा हादसा, एसएएफ के जवानों से भरी बस खाई में पलटी, 3 की मौत, 26 जवान हुए घायल। हारने के 44 दिन बाद हाईकोर्ट पहुंचे सिंह भी। कांग्रेस ने कहा दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि जिस व्यक्ति का नाम लॉटरी में निकला हो वह हार जाए। मुकेश सहनी ने कहा मोदी हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहती थी। मंत्री हरीश सहनी ने पूछा आपने सरकार में रहकर क्या किया। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस अब खोलकर भतीजे के समर्थन में आ गए हैं, कहा जरूरत पड़ी तो करेंगे चुनाव प्रचार। एक वकील ने सुनीता केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री की अदालती कार्यवाही को सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। पीएम मोदी ने आज पुष्कर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा बीजेपी नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर झारखंड बिहार के अफसरों का पलामू में फ्लैग मार्च। एनआईए के अफसरों ने ग्रामीणों पर किया हमला, ममता बनर्जी जांच एजेंसी पर भड़की, कहा बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी। अमेरिका चीन को औकात मिलाने की तैयारी में है, इंडो पैसिफिक में तैनात होगा परमाणु मिसाइलें। कमलनाथ अब नहीं रहे दीपक के दोस्त, तमाम अटकलों के बाद भी बीजेपी में शामिल हो ही गए। चंद्रशेखर ने कहा मैंने राहुल गांधी और अखिलेश के बस समर्थन मांगा था लेकिन पता नहीं लोगों ने इसका क्या अर्थ समझा। खबर जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस की रैली में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने जो जो किया है वह आपके सामने है, इसलिए यह समय हताशा से भरा हुआ है। बीजेपी सरकार के खिलाफ लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम सब एकजुट हुए हैं। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह देश कुछ लोगों की जागीर नहीं है, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसा नेता सत्ता में विराजमान है जो लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। आज लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, ये सब तानाशाही है और हम सब इसका जवाब देंगे। राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों में अपनी पसंदीदा पार्टी को लेकर दीवानगी अक्सर देखी जाती है, चाहे वो राज्य स्तर के चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। आंध्र प्रदेश के एक शख्स ने राजनीतिक पार्टी को लेकर ऐसी दीवानगी दिखाई है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उनके समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और समर्थक भी अपनी पसंदीदा पार्टी और उसके विचारों के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। आपने आज तक ऐसे कई समर्थक देखे होंगे जो अपनी पार्टी के बचाव में दूसरों से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के एक शख्स ने पसंदीदा पार्टी के लिए ऐसी दीवानगी दिखाई है जो आपने शायद ही कहीं देखी या सुनी हो। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के एक समर्थक ने शादी के कार्ड में पार्टी का घोषणा पत्र छपवाया है। यही नहीं, उसने आमंत्रित किए गए लोगों से पवन कल्याण को पीथमपुर से वोट देने की भी अपील की है। यह शख्स आंध्र प्रदेश के काकीनाडा का रहने वाला है। साउथ ब्लॉक दुनिया के सबसे शक्तिशाली दफ्तरों में से एक, भारत के प्रधानमंत्री का ऑफिस यानी पीएमओ। इस दफ्तर की हर एक जानकारी
डायनामाइट के समान विस्फोटक असर कर सकती है, लिहाजा यहाँ कदम कदम पर सिक्रेसी और सुपर टाइट सिक्योरिटी रहती है। पर रुकिए, ये इस दफ्तर की फुल प्रूफ सुरक्षा की गारंटी नहीं है। उस रोज सुबह सुबह एक जासूस पीएमओ पहुंचता है, उसने सरसरी निगाह पीएमओ के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर दौड़ाई। इस जासूस का मिशन कुछ अलग था, इसके रडार पर थे पीएमओ के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इस जासूस को हाई लेवल जानकारी मिली थी कि पीएमओ का सिक्योरिटी लेयर तोड़ा जा चुका है और पीएमओ की बातें लीक हो रही हैं। जासूस को बॉस को ऑर्डर था, ये लीकेज कहां से और कैसे हो रहा है इसको पता लगाओ। अगर आप ये सोचकर हैरान हो रहे हैं कि पीएमओ जैसी जगह पर कोई जासूस कैसे घुस सकता है और पीएमओ की बातें लीक कैसे हो सकती है, तो जरा ठहरिए। लुटियंस जोन्स के वीवीआईपी इलाके में बने पीएमओ में एंट्री करने वाले ये जासूस कोई और नहीं बल्कि कई कारनामों के लिए चर्चित आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक मचा हुआ अधिकारी था। पाकिस्तान का कहना है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की खबर की पुष्टि करता है, जिसमें कहा गया है कि भारत पाकिस्तान में घुस कर मार रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर में घुस कर मारने वाले बयान से पाकिस्तान भड़का हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह राजनाथ सिंह के इस बयान की निंदा करता है। साथ ही इसने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि भारत को 2019 की वो घटना नहीं भूलनी चाहिए। दरअसल एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर आतंकवादी भारत में शांति भंग करने की कोशिश करते हैं या आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम देते हैं तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और अगर वे पाकिस्तान भाग जाते हैं तो भारत पड़ोसी देश में घुसकर उन्हें मारेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान के अंदर मनमाने ढंग से आतंकवादी करार दिए गए नागरिकों को मारने की भारत की तैयारी का दावा स्पष्ट रूप से दोषी होने का कबूलनामा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शनिवार को कहा, हमने इस मामले में कनाडाई आयोग की जांच से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स देखी है। कनाडा के चुनावों में भारतीय हस्तक्षेप के आरोप आधारहीन है। नई दिल्ली को और से ओटावा पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि वो हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। भारत की यह कड़ी प्रतिक्रिया शुक्रवार को कनाडाई मीडिया की उस रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान ने कनाडा में 2019 और 2021 के संघीय चुनावों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा की जासूसी एजेंसी कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा CSIS ने ये आरोप लगाए हैं। ये खबरें ऐसे वक्त सामने आई हैं जब खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर दोनों देशों में पहले से राजनयिक विवाद चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा का संघीय आयोग 2019 और 2021 में भारत की ओर से चुनाव में हस्तक्षेप के दावों की जांच कर रहा है। इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने कनाडाई आयोग की जांच से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट देखी है। कनाडा के चुनावों में भारतीय हस्तक्षेप के आरोप आधारहीन है, जिन्हें हम खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया में दखल देना भारत सरकार की नीति नहीं है। सच्चाई तो यह है कि कनाडा ही हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। अब जानेंगे आज की राशि। तुला राशि वाले घबराएं नहीं, आज भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि के जातकों को ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। धनु राशि वाले जरूरतमंदों की मदद करने से आपकी खासियत आपको सम्मान दिलाएगी। सिंह राशि के जातकों को प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन पूरे होंगे और लाभ पहुंचाएंगे। कन्या राशि को ज्यादा कैलोरी की चीजें खाने से बचना चाहिए।